दुर्ग ड्राइवर संघ ने अपनी मूलभूत सुविधा और ड्राइवरों के जीवन संरक्षण को लेकर साथ ही अपनी 24 सूत्री मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। नए परिवहन कानून के विरोध में ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में वर्दी में पहुंचे ड्राइवरों ने अपनी 24 सूत्री मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में लाए गए नए कानून के विरोध में और अपनी मूलभूत सुविधा और ड्राइवरों के जीवन के संरक्षण को लेकर चिंतित चालकों ने महामहिम और मुख्यमंत्री के नाम गुहार लगाई, साथ ही दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन को अवगत कराते हुए कहा कि जब तक मांगे हमारी नहीं पूरी की जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा और सभी चालक अपने काम पर नहीं लौटेंगे। वहीं इसी विषय को लेकर ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी पीड़ा बयां की। चालक आयोग का गठन किया जाए, चालक की मृत्यु होने पर 30 लाख का मुआवजा एवं मालिकों के द्वारा ड्राइवरों का जमानत लिया जाए। पहला बिंदु में ड्राइवर आयोग गठित किया जाए, वर्ष में एक दिन राष्ट्रीय दिवस ड्राइवर दिवस घोषित किया जाए। ड्राइवरों के गाड़ी चलाने का समय सीमा तय होना चाहिए, 24 घंटा गाड़ी चलाते हैं कोई समय सीमा नहीं है। एक चाय बेचने वाला का समय सीमा है, रात को बंद करके चली जाती है, लेकिन हमारे लिए भी समय सीमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे गरीब परिवार जिसका स्वयं का घर नहीं उसे आवाज दिलाना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। भारी वाहन चालकों का वेतन कम से कम 30,000 रुपए होना चाहिए। हल्के वाहन ड्राइवरों के लिए प्रतिदिन का खर्चा भत्ता 400 रुपए होना चाहिए। सभी गाड़ियों के कंडक्टर अनु जय सारथी, जय भारती। और आपके चैनल के जितने भी हमारे दर्शक गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे जिसमें हमारे 23 मांग हैं, 24 मांग हैं। 24 में हमारी मांगे को अगर सरकार निरस्त करती है या फिर उसमें कोई आश्वासन नहीं देती है, हम ये नहीं बोल रहे कि हमको पूरा मांग चाहिए, लेकिन उसमें कुछ कुछ जो है हमारे ड्राइवर आयोग गठित कर दे और नेशनल हाईवे पर कम से कम 25-30 किलोमीटर के रेंज में शौचालय हो, सुलभ हो, पार्किंग हो। आप देख सकते हैं इतने बड़े राज्य है लेकिन कहीं पर भी पार्किंग नहीं बनाया है ड्राइवरों के लिए। ड्राइवर रोड में गाड़ी लगाती है, दुर्घटना हो जाती है, जिसकी जिम्मेदार ड्राइवर को ठहराया जाता है। तो ये शासन प्रशासन को होना चाहिए मालूम कि दुर्घटना हो जाती है उसके ऊपर ड्राइवर को जिम्मेदारी ठहराया जाता है। तो हम चाहते हैं सभी ड्राइवर भाई, ड्राइवर समाज मिल करके कि हमारे लिए एक पार्किंग का व्यवस्था किया जाए जिसमें नल जल की योजना हो। दूसरी बात, हमारे जो गरीब परिवार हैं ढंग से वो रोजी रोटी डेली कमाने खाने वाले रहने के लिए घर नहीं है, उनको आवास योजना के अंतर्गत जोड़ा जाए, आवास मिल दिया जाए। सरकार से अपील है, हम लोग नहीं चढ़ा रहे। जो मांग है हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर में शोषण हो रहा है वो बंद किया जाए, और कुछ मालिकों द्वारा हमारे ड्राइवर भाई लोगों को प्रताड़ित करते हैं वो सब बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे गरीब परिवार से ड्राइवर भाई लोग हैं, किसी के घर में खाने के लिए है, किसी के घर में नहीं है। तो आज एक्सीडेंट हो जाता है, अब उनको प्रावधान मिला दिया है कि 10 साल का सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, 7 लाख रुपए, तो एक गरीब परिवार कहाँ से देगा? जब वो परिवार को अगर जेल चले जाता है उसका मुखिया, तो उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, उसके पालन पोषण कौन करेगा? मालिक तो आज एक्सीडेंट होता है अपनी गाड़ी छुड़ा लेता है, पर ड्राइवर को नहीं छुड़ाते हैं। तो इसका पहले तो गाड़ी छूटने से पहले ड्राइवर का बेल होना चाहिए, उसके बाद में फिर गाड़ी छूटना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे जो भाई लोग हैं उनके लिए कोई शासन प्रशासन ने कोई योजना लागू नहीं किया है, जो वो योजना लागू किया जाए और अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए हमारे बच्चे को एडमिशन दिया जाए, अच्छे शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक एक दिया जाए। आगे कदम ये है, हम लोगों का जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे और गाड़ी नहीं चलाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।